शुरू कर चुके हैं मेरा फिजिक्स बीस चैनल। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि काफ़ी दिनों से मैं अपने वीडियो नहीं बना रहा था और मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था कि मैं इन सब चीज़ों से बच के रहूं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अब कुछ बातें जो हैं वो क्लियर हो गई थी, लेकिन शायद मैं बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। मैंने बीच में एक बार बोलने की कोशिश की कि नीट का जेई का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांस बहुत कम है, तब बच्चों ने बहुत डिसलाइक दिए मेरी वीडियो के ऊपर और मतलब हेट्स बहुत मिलते हैं, लेकिन सच्चाई जो थी वो देखिए अब आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा मुझे क्यों पहले से पता था कि ये सब होना है। एक्चुअली गवर्नमेंट का जो एक्शन प्लान है वो सामने आ चुका है। सबसे पहली चीज़ जो थी वो थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आना, वो भी इस समय पर जिस टाइम पर हम लोग सबको पता है कि एजुकेशन सिस्टम पूरा बंद है और इस टाइम पर इतना जो है अभी प्रोटेस्ट चल रहा था, उस टाइम पर भी इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को रिलीज़ किया। नंबर टू, जो इन्होंने क्लैट का एग्जाम जो इन्होंने कैंसिल किया था वो इन्होंने रीशेड्यूल किया सितंबर में। नंबर टू ये रीज़न था कि समझ में आ गया था कि एग्जाम सितंबर में हो जाने की उम्मीद थी। तीसरा तो सबसे बड़ा रीज़न था, हम लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आया कि सितंबर में कॉलेजेस खुलने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि UGC का अपनी तरफ से ऑर्डर आया कि आप अपने कॉलेजेस को अगर आप खोल सकते हैं तो अगर आप खोलना चाहें तो आप खोल सकते हैं। स्टेट को पूरी जो है परमिशन दे दी गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी समझ में आ गया था कि जो है उनका जो रुझान है, क्योंकि कॉलेज जो है वो मेनली डिसाइड करता है। अगर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अगर थर्ड ईयर के बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि प्रोसेस आगे बढ़े, क्योंकि थर्ड ईयर का बच्चा जब एग्ज़ाम देगा तो वो आगे हायर स्टडीज़ के लिए कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएगा, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम देगा। तो इसका मतलब यहाँ से भी मुझे हिंट हो गया था। इसके अलावा UGC ने कह दिया था कि 30 सितंबर से पहले पहले सारे एग्ज़ाम्स जो है कराने हैं। हालांकि ये जो केस है वो कोर्ट में था और इसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसका जवाब भी जो है आपको मिल ही गया है कि इसके लिए भी जो कोर्ट है वो ऑब्वियसली इसमें इंटरफेयर करने के लिए मना ही करने वाला है आने वाले समय में। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो देखने वाली थी, वो इन सारे प्रोसेस में जो थी वो यही थी कि हम सबको सिनेरियो नज़र आ रहा था कि जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रही थी। यानी हमने इतने हैशटैग्स चलाए, हमने इतना कुछ किया, हम लोग कोर्ट में गए, उसके बावजूद जो है आप सबको पता है मिनिस्ट्री ने कहीं पे भी रिस्पॉन्ड नहीं दिया। ये सारे बेसिक रीजंस थे कि यहाँ से समझ में आ गया था कि ये जो है JEE और नीट को पोस्टपोन नहीं करना चाहते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है बच्चों उसका इन्वॉल्वमेंट है। हालाँकि ये बात पता नहीं, ये बात कितनी ठीक है कितनी गलत है, अपनी खुद की मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी हाईली इन्फ्लुएंस, कहीं ना कहीं जो हमारा जो जजमेंट है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस था इस कोर्ट के, मतलब जो गवर्नमेंट है उसके डिसीजन से। मतलब गवर्नमेंट जो चाहती थी ऐसा लगता है जैसे कोर्ट ने भी वही किया, मतलब इस तरह का लग रहा था। और बच्चों क्योंकि ये बात भी क्लियर थी कि जबकि कोर्ट में जबकि बताया गया कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही जो है कोर्ट जो है वो खारिज हो गया, उसमें मतलब उसमें बोल दिया गया कि इसमें उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। और हालांकि जो हमारे जो वकील थे उन्होंने ये भी बोला कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो जाए, जीरो एकेडमिक ईयर तो वो भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने इसमें जो है कहा कि इसमें उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जो भी डिसाइड करेगी वो मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी, कोर्ट का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो डिसाइड करती है, कोर्ट जो है अपने से डिसीजन सब चीज़ों के लिए नहीं ले सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है बात कुछ समझ में नहीं आई इस बार। अब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ बच्चों, मेनली आगे का एक्शन प्लान क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो तैयारी कर रहे थे और कईयों ने तैयारी करनी बंद भी कर दी थी, क्योंकि कईयों में मेंटल प्रेशर भी था, कईयों को लग रहा था कि अब हम तैयारी हम नहीं कर रहे हैं, कईयों को लगा कि हम तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि CBSE का एग्ज़ाम भी कैंसिल हुआ, बहुत सारे एग्ज़ाम किस तरह से कैंसिल होते चले गए, कंपार्टमेंट को लेके भी सबको पता है कि कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम भी अब होने जो हैं वो कन्फर्म हो गए हैं कहीं ना कहीं। हालांकि कोर्ट में केस है लेकिन जवाब अब सारे मिल गए हैं तो अब ज़्यादा उम्मीद लगाने की कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये सब जो हो रहा है एक तरह से एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे के लिए हो रहा है। और लेकिन अगर हम ये देखें कि आप लोगों को कि हेल्थ के पॉइंट से देखें तो कई जगह पे मतलब लगता है कि हाँ शायद से डर है। कोर्ट ने एक और बात जो है, एक और बात मैं आपको UGC की आपको बता दूं कि उसने ये कहा है कि जितने भी फाइनल ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी OBE एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आपको मैं बता दूं मैं भी एग्ज़ाम ड्यूटीज़ में जा रहा हूं और मैं भी ड्यूटीज़ कर रहा हूं, तो मेरे को पता है कि क्या सिनेरियो है अभी इस टाइम पे। एग्ज़ाम ड्यूटीज़ हम भी कर रहे हैं, ऑनलाइन इन्विजिलेशन कर रहे हैं जो कि फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, होने क्या जा रहा है हो रहा है, मतलब हम लोग मैं तभी बिजी हूँ थोड़ा सा इस सब चीज़ों में। तो
तो मेरे को ऐसा पता तो चल गया था कि कहीं ना कहीं एग्जाम तो होंगे ही, लेकिन बच्चों को ये सच बताया कैसे? हालांकि हमने हैशटैग्स किए, आई सपोर्ट पोस्टमैन जेईई के ऊपर भी मैंने ट्वीट्स करे, बच्चों ने भी उसको रीट्वीट्स करे, और बच्चों ने और भी बहुत जगह ट्वीट्स करे, कोर्ट जो हमारे एडवोकेट्स हैं उन्होंने भी बहुत साथ दिया। लेकिन बच्चों अब सारी बातें खत्म, ठीक है, अभी हम आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी का नाम जो ज़िंदगी है वो बेसिकली बढ़ते क्या बोलते हैं, बढ़ते रहने का नाम ही ज़िंदगी है, बढ़ते रहे तो वही अच्छा है। तो बात बच्चों अब घुमा फिरा कि ये है कि 1 से लेके 6 सितंबर के बीच में वही बच्चों एनडीए का एग्ज़ाम भी जो है वो क्लैश हो रहा है, गवर्नमेंट उस पर क्लियर करेगी कि क्या सिनेरियो होगा, क्योंकि 6 सितंबर को एनडीए का भी है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन मैंने जो ऑब्जर्व किया अभी तक कोई नहीं आया है। मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम अगर 1 से 6 सितंबर के बीच में होने वाले हैं तो आपके पास में बस 31 अगस्त तक का ही टाइम है। आज है बच्चों 17, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23 हैं। तो आप सबको पता है मोटे मोटे तौर पे मैं जो है फिज़िक्स के बारे में बात करूँगा। फिज़िक्स के लिए मैं आपको ऐसे 14 चैप्टर्स बच्चों में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप पूरा एक्शन प्लान देख लेना, आप मेरी पोस्ट कम्युनिटी पोस्ट देख लेना, मैं पूरा का पूरा डाल दूंगा कब कौन कौन सा वीडियो आएगा, ठीक है। टोटल 14 वीडियोज़ बच्चों मैंने तैयार किए हैं, ठीक है। एक एक घंटे के अप्रॉक्सीमेट वीडियोज़ हैं, आपको वो देखने हैं सो दैट आपकी पूरी 11th क्लास और 12th क्लास के मेन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट जो है रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। सारे फॉर्मूलाज, कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ सब चीज़ें मैं आपको एक ग्लिम्स में दे दूंगा, जो आई थिंक पूरे यूट्यूब के ऊपर किसी के पास में भी 1 घंटे के अंदर ऐसा कोई वीडियो अभी तक मैंने देखा नहीं है। ये बच्चों एक फाइनल प्रिपरेशन है लास्ट 14 दिनों की, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। बाकी आप जो है चाहो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, दूसरों को भी बता सकते हो, क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत ही लो स्केल पे है और आई थिंक व्यूज़ आते हैं तो मोटिवेशन मिलती है। ऑल दो इनकम की बात मत करना, क्योंकि इससे अच्छा तो अगर मैं किसी बच्चे को इंडिविजुअल अगर मैं पढ़ा लूँ 1 घंटे अगर मैं, तो शायद मैं ज़्यादा अच्छा अर्न कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ जुड़े रहने का मन करता है इसीलिए वीडियो डल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो है इस प्लेटफॉर्म को मोटिवेट करेंगे, मुझे मोटिवेट करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद, बढ़ते रहो पढ़ते रहो, ठीक है। इसी के साथ में इस वीडियो को फिनिश करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय।